हमर मरद अपन गर्लफ्रेंड के नंबर बाबूजी के नाम से सेव कैले रहन। अब जब भी फोन आवत रहे हम उठा करके खुदे ले जाके दे देते रही कि लीजिए बाबूजी के फोन आयल बा। बाबूजी जब मर गए लन तबो वही नंबर से फोन आवा था। कहनी कि आए जब ससुर जी का मरला 2 साल हो गया तबो यही नंबर से फोन आवा था। अरे ससुर जी का फोन करता रहे जा करके का स्वर्ग लोग से अपन कि ए जी देखी ना फिर बाबूजी के नंबर से फोन आवा था। तो कहते रहे अरे बाबूजी हमरा कितना प्यार करते रहे न कि स्वर्ग में गैला के बाद भी हमारा के याद करते रहे। फिर एक दिन गलती से वो फोन हम ही उठा लेने कि भाई बाबूजी के जरूरी काम हो के मर्द घर में नहीं खन चलो बात कर ले। बाद में पता चला था कि वो नंबर तो पड़ोसी के रहे। मन तो कैलक नु कि इनकरों के स्वर्ग लोक में बाबूजी भी भेज दी लेकिन ना भेजली काहे से कि इनकर से हमारे 16 सिंगार सजल बा। अगर एक ख्याल ना रहित ना तो भेज देती कि जा बाबूजी के तनी सेवा पानी कैले आवा। हाँ बकलोल समझलन कोई लोग मिलने तो आते नहीं और बार बार पूछते हैं कि भाभी आप कहाँ के रहने वाली हो कहाँ के रहने वाली हो नहीं बताती हूँ तो बोलता है लोग जवाब नहीं देती हो तो क्या आप लोग को आना है। मैं एक बार और बता देती हूँ मैं मोतिहारी से। हेलो सर बारिश बहुत हो रही है आज ऑफिस आना है। खुद ही डिसाइड कर लो तुमको किससे बेइज्जती करवानी है दिन भर मेरे से या पत्नी से। ठीक है सर मैं आ रहा हूँ। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप करती क्या हैं? एक्चुअली मैं पायलट हूँ। पायलट? अरे वाह आप पायलट हैं क्या उड़ाती हैं आप? मैं क्या उड़ाती हूँ पति के पैसे। यार ये बताओ तुम लड़कियां विदाई के समय इतना रोती क्यों हो? पागल अगर तुझे पता चले कि कोई तुझे अपने घर से दूर ले जाके बर्तन मजवाने वाला है तो तू क्या नाचेगा? जब तुम किसी को पाने की कोशिश करो और वो तुम्हें ना मिले तो ये समझना तुमको खुदा से कोई और मांग रहा है जिसकी दुआ में तुमसे ज्यादा। जब एक कड़वा सच, बेटी अगर बीमार हो तो बहुत दुख होता है, बहू अगर बीमार हो तो ड्रामा लगता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर गलती से 10 मिनट LIC एजेंट के पास बैठ जाओ तो वो 10 मिनट में तुमका एहसास करवा दे कि जीएस ज्यादा मरम फायदा है। ए पगली जब तक जिंदा हूँ प्रेम से रोटी खिला दिया कर, जिस दिन मर गया ना उस दिन मेरी लाश के साथ एक रात एक कमरे में अकेली नहीं रह पाएगी। अरे भूत भूत कह के डर के कमरा छोड़कर भाग जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ ला एक रोटी और दे दे। भाई जी सच है, सच यही है कि ऊपर वाले ने ऐसी रीत बनाई है कि केवल केवल जिंदों के साथ प्यार किया जा सकता है, मरने के बाद अपनों को छोड़ना ही पड़ता है। एगो कंजूस आदमी 4 ताला पर से नीचे गिरे लगल। अब वो जब गिरे लगल तो अपन घर के खिड़की के सामने अलग तो देखा तो क्या रहे हमारे मेहरारू खाना बनाती है। वो सोचल कि अब तो हम मरे वाला बानी गिरा तन तो हम तो मरिए जाए आ बेकार हमारे मौगी हमारा खाना हिस्सा बना दी तो बर्बादे न हो जाए। तो गिरते गिरते चलता गारिनवा के माई आगे हम 4 ताला पर से गिरा तनी आज हमारा खाना मत बनाई है ना तो बेस्ट हो जाए। हेलो हेलो कस्टमर केयर। हाँ जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? पैर दबा दे बावली आज पैरों में बड़ा दर्द हो रहा से। दादाजी ये बच्चा कैसे होता है? वो आसमान से एक परी आती है हाँ। और नीचे छोड़कर चली जाती है। तका सुहागरात वाला सिस्टम खत्म हो गया। हर संडे जो तुम मछली पकड़ने जाते हो ना? हाँ हाँ तो क्या क्या हुआ? वो मछली आज घर आई थी कह रही थी अंडे देने वाली है। दोस्तों आप जानते हैं कि पत्नी को पति के पांव क्यों दबाने चाहिए? नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूं लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मर्द के घुटने से लेकर उंगली तक का भाग शनि होता है जबकि स्त्री के कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र होता है। जब शुक्र का प्रभाव शनि पर पड़ता है
तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पांव दबाने चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी तस्वीर में हमेशा लक्ष्मी जी विष्णु जी के पांव दबाते रहती हैं, इसीलिए वो धन की देवी हैं। दोस्तों